अबे यार रेस नहीं ले रही। वेलकम टू लद्दाख। तो यहाँ पे कोई छोटा सा व्यू पॉइंट बना हुआ है, तो एक बार देखने के लिए आए क्या सिचुएशन है यहाँ पे। बाइक्स लाइन अप कर देते हैं यहाँ पे और फिर आपसे मिलते हैं आगे। तो ये जो सामने दिख रही है ये है तिंगस्ते मोनेस्ट्री। यहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ेगा हम लोगों को ऊपर। तो ये जो तिंगस्ते मोनेस्ट्री है ये पेंगोंग से जो डुरबुक वाला रास्ता है उसके बीच में पड़ती है और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी सही जगह है यार, अच्छा लगा आके यहाँ पे। तो भाई साहब काफ़ी शांत और काफ़ी अच्छा अनुभव था यहाँ तिंगस्ते मोनेस्ट्री का। ये गेट देखने को मिलेगा आप जब पेंगोंग जाओगे, तो वहाँ से टर्न कर लेना। तो अभी टाइम हो गया है, 11 बज चुके हैं और हम लोगों ने यहाँ पे दुर्बुक के अंदर थोड़ा बहुत जो लंच है वो किया था और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं चांगला के लिए। और यहाँ पे ये शुभम है, ये होटल के रूम्स की व्यवस्था कर रहा है। देखते हैं आज ले में सब लोग एक साथ रुकने का प्लान कर रहे हैं। और अभी तक किलोमीटर की बात करूँ तो 50 किलोमीटर हुए हैं और एल्टीट्यूड की बात करूँ तो अभी इस समय एल्टीट्यूड है 3788। तो चलिए फिर चढ़ते हैं चांगला। वैसे ऊंचाई के हिसाब से तो शायद ये खारदुंगला के बराबर है, बाकी खारदुंगला को बोला जाता है टॉप। तो आज वापस हम जा रहे हैं पहाड़ों की चोटी की तरफ। सामने आपको दिख रहे होंगे पहाड़, तो उनकी साइड हम वापस जा रहे हैं धीरे 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 करके चांगला पास की ओर बढ़ते हुए। और हम लोगों को हाई एल्टीट्यूड पर रहते हुए काफ़ी दिन हो गए, तो होप सो इस बार किसी को MS हिट नहीं करना चाहिए। वाह आनंद लो यार रोड का, मैं राइडिंग का ले रहा हूँ, आप रोड का लो। वाटर क्रॉसिंग, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, टिचक टिचक टिचक। ओहो यार छोटी भी खतरनाक निकल गई यार ये तो। ओके पूरा ख़राब रोड वाला पैच आ गया है, तो थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे पत्थर लूज हैं, देख के के हम 4500 मीटर की हाइट पे आ चुके हैं और किलोमीटर अभी तक हमने 69 कर लिए। और टाइम की मैं बात करूँ तो टाइम हो गया है 11:45। डुरबुक में हमने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया नाश्ता वगैरह करने में और
अभी पेट्रोल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है और यहाँ से ले है वो है लगभग 80 किलोमीटर। हम कैरी कर रहे हैं 5 लीटर फ्यूल ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। तो अब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे थोड़ी सी ठंड वापस बढ़ती जा रही है। होप सो चांगला में शायद बर्फ़ देखने को मिल सकती है, कुछ कोई गारंटी नहीं है, बाकी देखते हैं। एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ थोड़ी थोड़ी फील हो रहा है। 4500 मीटर की हाइट है भाई, 4500 मीटर। ओके, अभी एकदम से चढ़ाई आ गई है और जो एल्टीट्यूड था वो 4700 मीटर हो गया है और बाइक फर्स्ट गियर के अलावा और कोई से गियर में चल ही नहीं रही। सेकंड गियर में लगाता हूँ तो दबती है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट गियर में बाइक चढ़ रही है और अभी पीछे एक भाई मिले थे, उनकी बाइक तो भाई साहब लोन लेते लेते बंद ही हो गई। काफ़ी डिफ़िकल्ट है यार चांगला भी। खारदुंगला में कम से कम ये प्रॉब्लम तो नहीं थी कि ऐसे सडनली तीखी चढ़ाई आ गई हो। 4800 मीटर हो चुकी है हाइट अभी हाल फिलहाल, तो सेकंड गियर में चल रही है थोड़ी, बट रियली डिफ़िकल्ट यार। और यहाँ पे मैं ब्रेक वगैरह बिल्कुल नहीं लगाऊंगा क्योंकि पिछली बार भी ब्रेक लगाने से मेरी बाइक गर्म हो गई थी। तो यहाँ अभी थोड़ा सा आगे आए थे और एक छोटी सी झील है वो जमी हुई है, तो लोग वागों ने सब ने यहाँ पे गाड़ियाँ लगा के सब नीचे जाके आइस पे मतलब जमी हुई झील पे जाके वहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं। ओके, अब रोड कितनी टफ हो गई है आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। एक तो रोड ख़राब है और ऊपर से यहाँ पर घुमाव है। अबे गेर ही नहीं ले नहीं रही, अबे रेस ही नहीं ले रही। ओके, हमारी जो बाइक से फर्स्ट गियर में रेस ही नहीं ले रही। तो चढ़ तो जाएंगे ना, चढ़ना पड़ेगा। और तो यहाँ गाड़ियां आ रही है मोड़ों पे, या तो एक जना वहां जाए आगे रोके और चढ़ाए तब। बहुत टफ थी यार, बहुत टफ चढ़ाई थी, बहुत ही ज़्यादा टफ थी यार। ओ भाई क्या है यार ये, क्या है ये, तो टफ से और टफ हुए जा रही है भाई साहब। एक तो चढ़ाई मोड़, ऊपर से रोड बिल्कुल ख़त्म और ऑक्सीजन ख़त्म, बाइक लोड ही नहीं ले रही, फुल थ्रॉटल दे रहे हैं बाइक रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही। ओ माय, क्या सिचुएशन आ रही है यार ये। यार ये इसको जाने देता हूँ, ये मेरी रिदम तोड़ रही है। ओके, ऊपर से लेते हैं। ये क्या है, नहीं ले रही ऊपर से ऐसा रास्ता। तू निकाल पहले,
बेकार जगह थी यार, बहुत ही बेकार जगह थी। शुभम को ये फ़ायदा मिल गया कि वहाँ पे कोई भी ट्रैफिक नहीं है, और मैं जब चला रहा था सब ने गाड़ियाँ घुसेड़ दी बीच में, इसलिए मेरी क्रॉसिंग थी उसको टफ बना दी। अरे यहाँ गाड़ी नहीं रोकने देते, मैं बीच में था उसके, दो जने ओवरटेक करते हुए निकल गए थे, मैं मरता हूँ वहाँ पे अभी। यार एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि चांगला खारदुंगला से बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। खारदुंगला वाज लाइक केक ऑफ पीस ऑफ केक, बट भाई साहब चांगला इज भाई साहब बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। रोड नहीं है और ये नहीं है, आप 100 cc की या कोई छोटी मोटी बाइक लेके आने की गलती इधर बिल्कुल मत करना, फंस सकते हो। आपकी किस्मत ही अच्छी हुई तभी आप निकल पाओगे, नहीं तो इधर से निकल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। देख रहे हो आप, पूरी रोड ख़राब है, पूरा रास्ता ख़राब है। और सबसे बड़ी समस्या है रोड बम्पी है, इसलिए जैसे स्पीड कम होती है आपकी गिरने के चांसेस बन जाते हैं। अगर रोड खाली हो, सामने कोई ना हो, खींच के निकाल दो। बट यहाँ समस्या है, साथ के साथ यहाँ ट्रैफिक भी चल रहा है और आपको यहाँ साथ के साथ बाइक भी चलानी है। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम है भाई एक्सट्रीम। चांगला पहुंच गए हैं, चांगला पास पहुंच गए हैं। एक्सट्रीम यार एक्सट्रीम एक्सट्रीम। वेल डन चांदनी, वेल डन, पहुंच गई चांगला बाबा स्थल। आ जा गले लग जाए इसी बात पे, इतनी खतरनाक चढ़ाई अपन ने क्रॉस कर दिया था। और मूंगफली चांदनी सबको बहुत बहुत बधाई हो, सब सही सलामत पहुंच चुकी है, काफ़ी स्ट्रगल की। चांगला पास, कश्मीर टू कन्याकुमारी, इंडिया इज वन। तो अभी चांगला पास की जो ऊंचाई की बात करें तो 5107 मीटर इसकी हाइट है, और यहाँ पे क्या है, पूरा पानी वगैरह सब ख़त्म हो गया है, तो पानी की बोतल लेने के लिए रुके हैं। और खारदुंगला का या किसी भी पास का रास्ता अभी तक इतना ख़राब नहीं मिला जितना इस चांगला पास का रास्ता हमें ख़राब मिला है भाई साहब, फुल ख़राब, ख़राब का भी ख़राब, मतलब ख़राब से भी ख़राब जो हो सकता है ना वो है। अब जाके थोड़ी बहुत ठीक आई है, लेकिन जो अभी तक की ये रोड थी ना भाई साहब, बहुत ही हद से ज़्यादा ख़राब रोड है। 88 किलोमीटर हम लोगों ने कर लिए हैं, टाइम हो गया है 1:07, और अभी हम लोग वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रोड है, लिटरली मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अगर ये रोड से ही बता रहा हूँ, अगर ये रोड किसी ने अगर मुझे पहले वीडियो में दिखा दी होती तो शायद इतनी हिम्मत मैं नहीं कर पाता कि मैं यहाँ आता। बट मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मेरे साथ जितने भी ये एक्सपीरियंस राइडर हैं उनका, जिनके कारण ये सब संभव हो पाया, और उन्होंने टाइम टाइम पे मुझे यहाँ पे बहुत सारी टिप्स दी, बहुत कुछ सीखने को मिला यार, बहुत कुछ सीखने को मिला इस राइड से। मैं कहा हिमालयन को हमारे घर के जो गेट होता है, जो कि थोड़ी सी हाइट पर होता है, उस पर चढ़ाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती थी, और आज मैं खुद देख रहा हूँ कि ये बाइक मैं कहाँ चला रहा हूँ, तो दिन रात का अंतर है, दिन रात का। भाई साहब चांगला अगर आप आ रहे हो चांगला पास की तरफ, काफ़ी टाइम निकाल के आना, रोड काफ़ी ख़राब है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और सब्र से धीरे धीरे चलाना,
क्योंकि भाई साहब कुछ कह नहीं सकते इस रोड का। और हाँ, इस रोड पे ब्रेक कम से कम ही यूज़ करें, गियर ब्रेकिंग का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, नहीं तो आपके जो गियर ब्रेक्स हैं वो गर्म होके चौक हो जाने हैं। अभी हमारी गाड़ी, मेरी गाड़ी रिजर्व में आ गई है, जो भी हमारे पास 5 लीटर की पीपी थी उसमें से ऑलरेडी 2.5 लीटर के आसपास तो जय भाई की बाइक में डाल दिया है, क्योंकि उनकी बाइक शायद कम माइलेज दे रही है ड्यू टू हैवी लगेज एंड हैवी वेट। 4,180 मीटर पर अभी हम राइड कर रहे हैं, तो होप सो करूँ के अंदर कोई पेट्रोल पम्प मिल जाए जहाँ से हम फिलिंग कराएं। तो अभी अभी मैं ये क्या देख रहा हूँ कि डबल लेन हाईवे आ गया है एकदम से, और काफ़ी बढ़िया रोड बनी हुई आई है। अब यहाँ से करूँ 20 किलोमीटर और यहाँ से डबल लेन हाईवे, वाओ। हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ करू में और टाइम हो गया है 2:10, तो यहाँ पे 3300 मीटर ही एल्टीट्यूड है। अब फटाफट कोई जो पेट्रोल स्टेशन आता है नेक्स्ट वहाँ पे पेट्रोल फिल कराते हैं, क्योंकि जो अपनी बाइक है वो ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर रिजर्व में चल चुकी है। 3:18 हो गए, हम लोगों ने अभी अभी करू के अंदर मचक के लंच किया है और अब टाइम आ गया है पेट्रोल फिल कराने का। तो मेरा किलोमीटर हो गया है 8,347 और हम लोग अब पेट्रोल भरवा लेते हैं यहाँ से, देखते हैं यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस क्या चल रहा है और फुल करवा लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो पेट्रोल के प्राइस है वो है 107.33 और 8,347 अभी मेरे हो चुके हैं। बस बस 170 बिल निकाल देना इसका। तो कल का जो सफ़र था काफ़ी स्पेशल रहा और हम लोगों ने जो टफेस्ट चांगला पास था, मतलब जो चांगला पास था वो अभी तक का मेरे को तो सबसे टफेस्ट पास लगा, क्योंकि वहाँ की रोड बिल्कुल ही ख़त्म रोड थी। बाकी जो पासेस थे वो उनकी रोड, मतलब उनकी रोड से तुलना करो तो इसकी रोड काफ़ी ज़्यादा ख़त्म थी, तो इसलिए चांगला पास सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। प्लस एल्टीट्यूड तो था ही, साथ में रोड भी ख़राब थी। कल का दिन था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा, तो शाम को आने के बाद बिल्कुल भी ब्लॉक करने का मन नहीं कर रहा था, तो हम लोग लेह सिटी के अंदर वापस रुके और डिनर वगैरह करा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और हाँ, अगर आपका कोई भाई या बंधु है जिसको कि आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो शेयर ज़रूर कर देना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।